ये बताइए कि आपको स्पेशली इच्छाधारी नाग ही क्यों चाहिए? अगर घर में चूहे हो गए हैं तो आपको ऑर्डिनरी नाग भी चलेगा, मतलब कॉमन सस्ता सा नाग भी चलेगा, इट्स ऑल राइट। हमको इच्छाधारी नाग लड्डू के भैया के लिए चाहिए। हाँ, I got it। देखिए भाभी जी, एक्चुअली मैं भी उन्हें पसंद नहीं करता हूँ ज्यादा, आपके लड्डू के भैया को, लेकिन कभी उस लेवल पे नहीं आया कि उन्हें नाग से कटवाऊं। अगर उनको पसंद नहीं करती उनको छोड़ दीजिए, वैसे मर जाएंगे वो। Just dump him and move on, भाभी जी, move on। And भाभी जी, remember, कभी भी आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगी। I'll be right behind you। आपका I think आपके साथ रहेगा 24/7। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, सांप से कटवाना क्यों? Why? हाय दिया, कछु भी बोलते हैं आप। हम काहे लड्डू के भैया को नाक से कटवाएंगे? हाँ? तो क्या लड्डू के भैया के बर्थडे पे नाक से डांस करवाएंगी? नहीं, कहा है ना, बताते हैं आपको। अब बात ये है कि लड्डू के भैया ना एक सपेरे से भिड़ लिए हैं और उस श्राप दिया है लड्डू के भैया को। ऑफ कोर्स भाभी जी, उस दिन आप मोटरलो को बता रही थी तो मैं वहीं पे था। क्या बात कर रहे हैं, उस सपेरा तुमको श्राप दे दिया का? हम सुने हैं अम्मा जी कि बहुत सारे सपेरे ना बहुत सिद्ध होते हैं, उनके पास इच्छाधारी नाग भी होता है। अगर वो इच्छाधारी नाग लड्डू के भैया के पीछे छोड़ दिया और वो बेस बदल कर आया और लड्डू के भैया को डस लिया तो? तिवारी जी, आपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है पर की कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया है। मुझे नाग कहा ना आपने, अब देखिए नाग आपसे कैसे नागिन डांस करवाता है। तुम दबा के भागा तिवारी का बच्चा। तिवारी जी की बेसिक प्रॉब्लम है कि किसी के मुलक जाते हैं और सफेदे के मुलक गए हैं और वो कर देगा इनको नंगा। तो भाभी जी बताइए कि आपको ये स्पेशली इच्छाधारी नागी क्यों चाहिए? हमको अम्मा जी बोली हैं कि केवल इच्छाधारी नाग ही है जो लड्डू के भैया को उस सपेरे के पर्स से बाहर निकाल सकता है। अभी पर्स नहीं, कर्स। कर्स का मतलब होता है शराब। सही पकड़े हैं। ओके भाभी जी, मैं ध्यान रखूंगा, कभी किसी में नाग से टकराया जो कि इच्छाधारी है तो मैं आपसे मिलवा दूंगा उसको, फॉर श्योर। ठीक बा, थैंक यू भरभूति जी। हाँ थैंक यू। हाँ एक बात, ये बात ना लड्डू के भैया को ना ही पता चलना चाहिए, वो ये सब में मानते ना ही है ना। अभी आप बहुत बड़ी गलत फहमी में है। कल रात के बाद तो लड्डू के भैया दिन रात उठते बैठते सोते जागते इच्छाधारी इच्छाधारी नाग ही करेंगे। क्या सोच रहे हैं, बोलिए ना हमको, पिरामिड कीजिए। अभी डोंट वरी, आप और मुझ में क्या फर्क है भाभी जी, हम दो जिस्म एक जान है। क्या बोले? अगर भाभी जी जो बात आपके अंदर दफन हो गई वो बात मेरे अंदर कफन ओढ़ के दफन हो गई है। ठीक बा, और कौन मिले तो हमको बताइएगा। हाँ भाभी जी, एक बात मुझे भी करनी है आपसे। हाँ हाँ बोलिए ना भाभी जी। क्या हमारे होठों के आपके हसीन हाथों से बनी हुई खीर खाना नसीब होगी या नहीं? आप क्या बोलते ना, हमरे कछु समझ ही ना आता है। भाभी जी खीर खिलाएंगी? खीर खाना चाहते हैं वो, बोली ना, अभी बना कर लाते हैं। ओके भाभी जी। हाँ भाई भाई। अब देखेगा तिवारी जी, ये इच्छाधारी नाग आपको कहां कहां काटेगा। हाँ ठीक, 12 बजे मैं शमशान घाट पहुंच जाऊंगा और कंकाल की पूजा करनी है जी। सारी सामग्री ले लीजिएगा। ठीक, अभी फोन रखिए, मैं जरा किसी के साथ में। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार। भैया क्या किया जा सकता है, इस शंभू सफेरे को अभी हिमालय जाना था। अब तो जो कुछ करना है सिर्फ आपको ही करना है। अरे हम क्या करेंगे, अब तो जो कुछ भी करेंगे शंभू सफेरे के सांप ही करेंगे। लेकिन भैया मैं कहता हूँ, क्या जरूरत है आपको शंभू सफेरे से पंगा लेने की? मना किया था ना मैंने आपको। तो हमें क्या पता था ये सफेरे के अंदर भी दिव्य शक्ति होती है, और सांप भी छोड़ा तो किसके अंदर, भभूति जी के अंदर। उनके साथ वैसे ही हमारा 36 का आंकड़ा रहता है। वो तो बिना सांप हुए हमें डसते रहते, ऊपर से जहर अलग से जुड़ गया। भैया जितना मुमकिन हो सके ना, अब आप ये विभूति भैया से दूर रहिएगा। डॉक्टर साहब वो हमारे पड़ोसी हैं,
ऊपर से एक नंबर के भूखड़, जब देखो तब वो घुइया के पराठे के चक्कर में आधा वक्त तो हमारे घर पर ही पड़े रहते हैं। आधा वक्त अगर वो आपके घर पे पड़े रहते हैं, बाकी का वक्त आप उनके घर पे पड़े रहिए। अरे यार कैसे पड़े रहे, भाभी जी भी तो नहीं है। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि अगर भाभी जी होती तो हमें अपने घर में घुसने देती, अब उनकी अनुपस्थिति में भभूति जी अपने घर की चाबी हमें तो दे नहीं देंगे। चिंता मत करे भैया, भगवान पे भरोसा रखिए। भगवान क्या ऊपर से आके हम बचा लेंगे? नहीं नहीं उसका कोई चांस नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब आपके मरने के बाद जब आप स्वर्ग लोक जाएं तो कम से कम स्वर्ग लोक के दरवाजे तो भगवान आपके लिए खोल देगा। हे भगवान, हम नहीं रहेंगे तो हमारी अंगूरी का क्या होगा? भैया आपको वक्त रहते पहले से अंगूरी भाभी को जो है ना बता देना चाहिए, ताकि कम से कम वो अपने लिए एक सफेद साड़ी की शॉपिंग तो कर सके। तुम डॉक्टर हो या यमराज हो यार? अल्ती की बकवास कर रहे हैं, हम अंगूरी को सब कुछ नहीं बता सकते, वो कच्चे दिल की औरत है, हमसे पहले वो टाइम बोल जाएगी। अब तो जो कुछ भी करेगा ऊपर वाला ही करेगा। भैया एक काम कर सकते हैं, आज रात 12 बजे मैं शमशान घाट तो जा ही रहा हूँ ना, आप साथ चलिए, कंकाल पूजन करेंगे, हो सकता है कि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए और आपकी समस्या का समाधान मिल जाए। अच्छा मैं चलता हूँ। अब भरभूति जी, भरभूति जी, आ आ आ आ हाय दिया, क्या हुआ भरभूति जी, कहाँ हैं आप? भाभी जी यहाँ बताइएगा, वहीं रहिए वहीं रहिए वहीं रहिए। आए आ क्या हुआ? आए आ आ हाय दिया, क्या हुआ, वहाँ क्या कर रहे थे? भाभी जी ये बहुत ही लंबी और दुख भरी कहानी है, बताइए कैसे आना हुआ? वो आप ही तो हमको बोले रहे ना कि खीर खाने का बहुत दिल कर रहा है, आपके लिए खीर लाए हैं। ओह माय गॉड भाभी जी, ये लीजिए। वाह भाभी जी इट्स डिलीशियस। हाय दिया ये कैसे खा रहे हैं? भाभी जी हमारे में ऐसे खाते हैं। हमारे में मत बल भाभी जी, बहुत लंबी और दुख भरी कहानी, बाद में कभी बताऊंगा। खैर ये बाद में जो बची है ना आराम से खाऊंगा इसको। ये बताइए कि आपको आपका वो मिला कि नहीं, इच्छाधारी नाग? का बताएं भरभूति जी, अब इच्छाधारी नाग कहाँ ढूंढने निकले, हमको कोनो अता पता ना ही पता, हमरी जान पहचान में ऐसा कोनो है ना ही। ई ना ही पता वो कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं। भाभी जी बड़े नॉर्मल दिखते हैं वो तो, आपके हमारी तरह, आपके सामने कोई इच्छाधारी नाग बैठा होगा ना तभी मालूम नहीं पड़ेगा आपको कि ये इच्छाधारी नाग है। ये कैसा आवाज निकाले आप? नथिंग सीरियस भाभी जी, पेट में गैस हो गई थी तो वही निकाली। क्या हमारे में ना गैस ऐसे निकालते हैं मुंह से। आपके में मत बल भाभी जी, बहुत ही लंबी और दुख भरी कहानी है। देखकर हमको कछु याद आ रहा है। Really? She got the hint. क्या क्या याद आ रहा है बताइए? हमरा प्रेशर कुकर। वो भी ऐसा ही आवाज निकालता है जब उसके पेट में गैस भर जाता है। मतलब आप को मैं एक प्रेशर कुकर लग रहा हूँ भाभी जी? Oh no. Oh no. Hi Dio. Okay. Hi Dio, kya hua? Ab kya hua Parvati ji? Abhi ji bas thoda sa reh gaya hai. Us sofa ke piche kya kar rahe hain? Kya hua? Bas abhi aaya thoda baki hai. Kya baki hai? Hi Dio. आपके
दिया क्या हुआ? मैं वो बस 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 हम समझ गए, बहुत लंबा कहानी है, बाद में किसी दिन फुर्सत में बताएंगे ना, हम आते हैं। आप भाभी बैठिए 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 बैठिए, कहानी लंबी लेकिन बतानी तो पड़ेगी भाभी जी। एक्चुअली क्या भाभी जी के लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं आपसे छुपा नहीं पाया कि मैं एक इच्छाधारी नाग हूं। वाह थी, पता मैं क्या कर रहा था? का? मैं अपनी केचुली बदल रहा था। हम ये साल में दो बार करना पड़ता है, स्किन चेंज करनी पड़ती है, हमारे में इसको बोलते हैं स्किन डायलिसिस। दिया, लेकिन इतना बड़ा बात आप हमसे हाइट हाइट किए हाँ? अबे जी वो हाइट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। अपरभूति जी, आप ही इच्छाधारी नाग कैसे बने? भाभी जी ये कहानी बहुत लंबी और दुख भरी है। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं जंगल में खो गया था, मुझे सांपों ने पाल पोस के बड़ा किया। नोटिस किया होगा आपने, मोहल्ले में कोई भी शादी होती है नागिन डांस मैं करता हूँ। अभी चौधरी के लौंडे की शादी हुई थी, कौन डांस कर रहा था? लोट लोट के मैं डांस कर रहा था, उसका लौंडा बीन बजा रहा था, मैं नाच रहा था नीचे, आपको याद होगा, देखा होगा आपने, देखा था ना? हम ध्यान ना ही दिए। यही तो प्रॉब्लम भाभी जी कि आप ध्यान देती नहीं है। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, अब जो है सो है। हाँ, वो तो है, अब जो है सो तो है ही, आपका दर्द समझते हैं हम। हाँ, ऐसे बार बार सोफे के पीछे के चुली बदलना इतना आसान ना ही है, कितना दर्द होता होगा। लेकिन हमारे लिए तो खुशी का बात है ना कि आप इच्छाधारी नाग निकले, अब हमको ढूंढना ना ही पड़ेगा। आप पार्वती जी अक्का, आप हमारी मदद करेंगे का? भाभी जी आपके लिए जान हाजिर है। थांकू पार्वती जी, आप हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। अम्मा जी को कॉल करके बताते हैं कि इच्छाधारी नाग मिल गया है, उनसे पूछते हैं कि आगे का क्या करना है। हाँ ठीक है भाभी जी, चलते हैं। ओके भाभी जी, भाभी जी हतिया ही क्या कर रहे हैं? अभी जी हमारे बाय ऐसे करते हैं, आप भी कीजिए ना, एक बार और बस जय हो नाग देवता का। आइडिया से कहते हैं बुलजाई, तीर निशाने पे लगा है। बे एक्टर कुछ कम नहीं है भाई। कहाँ बात कर रही हो बहुरिया? अरे इतनी रात को कोई खेलता है का? हाँ माँ जी, सच्ची बोल रहे हैं, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पार्वती जी इच्छाधारी नाग निकले। अरे पर तुमको कैसे पता चला? हम अपनी आंखों से देखे हैं। कहाँ देखा? का उखाने के टाइम पे चूहों के पीछे भाग रहा था? नहीं नहीं अम्मा जी, हम जब उनके घर पहुँचे ना तो ऐसे लहराते हुए नाग की तरह सोफे के पीछे चले गए। हम ना उनका वो पूंछ भी देखे। हाँ, उसके बाद जब हम उनको खीर दिए ना तो ऐसे नाग की तरह ऐसे लपड़ लपड़ करके खा गए वो। अरे राम, बताओ इतने साल से हम जानते हैं, कई बार तो हम नल्ला नल्ला कह के पुकारे, लेकिन एक बात है बहुरिया, बहुत शरीफ नाग है, हमरे पीछे कभी हमको काटने के लिए नहीं दौड़ा। बताओ धीरे से, ये पोते सेठ जी सो रहे हैं, चुपचाप अपना काम कर जाएंगे। आ जाओ। ए, कौन है? कौन हो तुम लोग? खबरदार! जो हिलने की डुलने की रूप बदलने की हमें डसने की कोशिश की तो। लेकिन तुम लोग हो कौन यार, क्या कर रहे हो यहाँ पे? अगर यही बात बतानी होती तो जुराब मुंह पे पहनने के बजाय पांव में पहन कर ना आते। बेवकूफ सर, नाम बताने की जरूरत थी क्या तेरे को? मलखान बकवास कर रहे हो, बोल भी की क्या जरूरत थी तेरे को ऊंची आवाज में? सारे धीके लट, सारे टीका मरवा दियो ना तूने, सब कुछ बता के। अबे भुतनियों के एक नंबर के बावले हो तुम दोनों, अब मेरा नाम मत ले दीजिए वरना मैं भी पकड़ा जाऊंगा। क्यों चिल्लू? अबे मेरा नाम लेने की टीका तिल्लू
मलकान, तुम तीनों मेरे घर में इतनी रात को क्या कर रहे हो भाई? वो भैया, दरअसल बात ये आ गई कि हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचो कि आपका हालचाल पूछते चले, तो इसलिए आ गए। आप सोचो, कोई बात ना। तो अकल से पैदल चुप कर। ऐसा है सेठ जी, अगर तुमने किसी को बताया कि हम तुम्हारे घर में घुसे थे तो कसम खा के कह रही हूँ तुम्हारे गुर्दे छील दूंगा। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। ऑलराइट, तुम तीनों सर की कसम यार। हाँ भैया, वो तो पता है कि आप लोग ना अपना वादा नहीं तोड़ते हो। क्या, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। मेरी गरीबी ना होता है, तुम लोग भाई हो यार, माय ब्रदर, कम ऑन यार। दूर से ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ? हमें पता है कि आपको तो बहाना चाहिए गले मिलने का। आप गले मिलने के बहाने हमारे पास में आओगे, गले मिलोगे और डस लोगे, सांप बन के यू करके निकल लोगे बाहर। सांप? सांप? इतना भोला बनने की जरूरत ना है सेठ। मनमोहन तिवारी की और डॉक्टर की बातें हम तीनों ने सुन रखी हैं। हाँ। ये क्या बेसरपैर की बकवास कर रहे हो तुम लोग यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया, ज्यादा ड्रामाबाजी करने की जरूरत ना है, हमें अच्छे तरीका से मालूम है कि आप ना कच्छाधारी नाग है। गए अब कच्छाधारी नहीं बे, इच्छाधारी नाग। हाँ हाँ हाँ, वही वही। और आपके पास ना नागमणि भी है गई। वो नागमणि चुपचाप हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें भगवान के हवाले कर देंगे। तुम लोग गलत फहमी हुई है यार, मेरे पास कोई नाग वाग मणि नहीं है यार, कम ऑन। भैया बहुत उल्लू बना लिया आपने, समझ गए ना, इतने बेवकूफी ना है हम। हमें अच्छी तरह पता है कि मनी आपके पास में, चुपचाप मनी हमारे हवाले कर दो। दो 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 दो। मेरे पास कोई मनी नहीं है, कितने बताओ तुम्हें यार। अबे यार टीका, जे ऐसे ना मानने का है, तो एक काम कर, एक छोटा सा कट इसके गले पे खींच दे, मनी पुड़क करके बाहर आ जाएगी। यार मुझे पता नहीं कि कितने छोटे कट लगाने, मुझे बताओ तो सही यार। मैं तो उससे कह रहा था ना, लेकिन मुझ पर छोटा कर करके पास होना नहीं, इतना बड़ा छोटा कर दे बात। अरे एक सेकंड एक सेकंड, देखो क्या है, हर आदमी की जो कट की परिभाषा होती है वो अलग है। जो तुम्हारे लिए छोटा है इसके लिए बड़ा हो सकता है, तो इसके लिए छोटा है तुम्हारे लिए बड़ा हो सकता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा छोटा जो कट है वो बड़ा कट हो जाए और मेरी ईसोफेगस की जो आर्टरी है वो कट जाए और मैं लॉस ऑफ ब्लड से मर जाऊं और तुम तीनों को जेल हो जाए और तुम तीनों जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। वाह भैया वाह, मान गए। का 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 बात कह दी आपने। टिल्लू ठीक है भैया, एकदम सही कह रहे। टिल्लू तो को पता है ना कितना छोटा कट मारना है, तू मार दे। मैं क्यों मार दूं, चाकू तो टीका का है। सारे अनप्रोफेशनल, मुझे पतो ना आया कि कितनो कट मारनो, चाकू तो मेरो है लेकिन कितनो कट मारनो मुझे पतो ना आना है बिल्कुल। अबे मैं पता क्या कर, मैं इतना बड़ा मार दियो कि इसमें जो जान जाने खतरे रखो, जो बात कर रहा हूं मैं। गाइस गाइस गाइस, हेलो 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 हेलो, एक मिनट एक मिनट, आई विल मेक इट सिंपल फॉर यू। मैं आपके लिए सिंपल कर देता हूं, आप लोग एक काम कीजिए, घर जाइए, दो स्ट्रिप ड्रिंक लगाइए, माइंड क्लियर कीजिए और सोचिए कि कितना बड़ा कट होना चाहिए। मैं ये लेट आऊं, कम बैक, आई विल बी ऑल योर्स। सही बात कह दे, आ गया भैया। हमें उल्लू बनावे की कोशिश बिल्कुल ना करो, बोल चुका हूं मैं आपको। मनी आपके पास में, चुपचाप हमें दे दो, नहीं तो मैं आग बंद करके कट लगा दूंगा। लग जाएगी यार, लग जाएगी, क्या कर रहे हो। अगर चाहते हो कि ना लगे कट तो मनी निकालो फटाफट। ओके All right, okay. मैं निकालता हूँ। एक तुम लोग अपनी आंखें बंद करो। आंखें? चलो कर लो कर लो। ये लो मनी, अब तो खुश हो ना तुम लोग। डंकी मार लो आप भैया। अरे तो फिलहाल तो आप लाख उठा लेते।
अरे इतनी छोटी मनी, जी तो कंचो लग रहा हो भैया। ये बेबी मनी है, तुमने एमेचर वाले को प्रीमेचर निकाल दिया। अब इसे घर ले जाओ, इसकी पूजा अर्चना करो, इसकी सेवा करो, इसे पाल पोस के बड़ा करो, और जब ये पाल पोस के बड़ी हो जाएगी तब मेरे पास आना, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा कैसे इससे अपनी इच्छाएं पूरी करवानी है, और उसके बाद तुम तीनों ओवरनाइट करोड़पति हो जाओ। करोड़पति, यू बी बिलियनर्स। अरे सेठ जी, आप बहुत अच्छे हो। आप कितने अच्छे हो, कितने भोले हो, प्यारे प्यारे हो भैया, भैया।